मध्य प्रदेश के खरगोन में प्याज आम आदमी को रुला रहा है। पहली बार प्याज के भाव 100 रुपए तक पहुंच गए हैं। रोजाना 4 से 5 किलो प्याज ले जाने वाले ग्राहक आधा किलो और पाव भर पर आ गए। खरगोन में रोजाना 1500 बोरी आने वाला प्याज 10 गुना घटा है। खरगोन जिला मुख्यालय पर प्याज की आवक 10 गुना कम होने से प्याज के दाम आसमान छूने लगे। खरगोन में पहली बार प्याज 100 रुपए तक पहुंचा। 4 दिन पहले प्याज 60 रुपए किलो था, अब लोगों को 100 रुपए किलो खरीदना पड़ रही है। रोजाना 4 से 5 किलो प्याज ले जाने वाले ग्राहक अब आधा किलो और पाव भर से काम चला रहा है। खरगोन में प्याज की आवक रोजाना 1500 से 2000 बोरी होती थी, लेकिन आज 150 बोरी ही प्याज पहुँच रहा है। अचानक आवक घटने से प्याज के लिए मारामारी शुरू हो गई है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मार्केट में जो है अफवाहें ज्यादा चल रही है, 150 का भाव हो जाएगा, 200 का भाव हो जाएगा। लोग मतलब जो है हड़बड़ी में खरीदी कर रहे हैं। सड़ी हुई प्याज को पहले निकाल रहे व्यापारी लोग, जो स्टॉकिस्ट है, जिन्होंने स्टॉक कर रखा है, वो अपनी सड़ी हुई प्याज को मतलब जो है बेचने के लिए इतनी मतलब वो कर रहे हैं। अफवाहें फैलाई जा रही मार्केट में, और कुछ भी नहीं है तो ये राजनीति के सिवा और कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब जो व्यापारी लोग जो है बड़े बड़े, उन्होंने अपने प्याज भर के रखी है, उसको बेचने की फिरा के और कुछ भी नहीं है। सड़ी हुई प्याज पहले निकल रही है, अच्छी प्याज पड़ी हुई है। क्या होना चाहिए, तो ठीक है, प्याज महंगी हो के कम कर दो खाना, कोई जरूरी थोड़ी है प्याज खाना। अभी प्याज लेने आए, क्या भाव मिला आपको? नहीं, प्याज लिया ही नहीं, कारण नहीं लिया। जो चीज ज्यादा महंगी हो जाए उसको क्यों खाते हो? कितना हो गया आपको? 40 ज्यादा, 40-50 रुपए तक, इससे ज्यादा होती है तो आधा खाना कर दो ना उसको। कोई यानी प्याज कोई ऐसा है, ऐसी चीज नहीं कि गेहूं होगा महंगा तो जरूरी चीज है, अनाज होगा महंगा जरूरी चीज है, प्याज टमाटर ये कोई जरूरी चीजें नहीं है। ठीक है, कम कर दो खाना, जो चीज महंगी हो जाती है उसको कम खाना कर दीजिए ना आप। 100 रुपए किलो हो गया आज प्याज, फिर आप लेंगे कि नहीं? हाँ नहीं लेंगे, क्या हो गया, बगैर प्याज के खा नहीं सकते क्या? ये तो ये फिजूल बातें हैं, मतलब जो है अफवाह फैलाई जा रही है और कुछ भी नहीं। अपना माल बाहर निकालने के लिए स्टॉकिस्ट लोगों ने बहुत माल कर रखा है, और ये उस माल को बाहर निकालने की फिराक में, और सड़ा हुआ माल देखिए आप, पहले निकल रहा है, अच्छा प्याज कम निकल रहा है। ये कमलनाथ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही? आप क्या करो कार्रवाई, पुलिस सबको मतलब जो पैसे दे के खरीद ले, देख रहे कि नहीं? मतलब कि हर तरफ तो यही चल रहा है। जगदीश पंड्या, घट चल रहा है, आवक कम हो गई, क्या स्थिति? ये कीमत के कारण 100 रुपए किलो हो गया है प्याज, और निमाड़ में प्याज के साथ ही रोटी खाते हैं, नाश्ते से लगा के हर चीज में ही प्याज यूज करते हैं। इस कारण प्याज की आवक के कारण प्याज 100 रुपए किलो। कितना प्याज ले जाते थे और अब कितना ले जा रहे हैं? पहले किलो 2 किलो अने प्याज तो अने 5 किलो से कम नहीं ले जाते थे, बाकी अब पाव भर ले जा रहे हैं। अच्छा, ये जो होटलों में है वो प्याज दे रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अब नाश्ते में इनमें सब ने बंद कर दिया है। क्या नाम लिखते हैं आप? गिरिराज महाजन। प्याज के भाव क्या है? प्याज का भाव जैसे कि अभी 100 रुपए किलो हो गया है आज, अभी इसके पहले अभी 40 था, फिर 50 था, फिर 60 था, कल भी 80 रुपए तक भी कहा, 100 रुपए का भाव हो गया है। अभी ये समझ लो 4-5 साल पहले भी जैसे प्याज का भाव बढ़ा था, लेकिन फिर भी 50-60 रुपए से ऊपर नहीं गया था। ये खरगोन में पहली बार 100 रुपए किलो जैसे कि प्याज हुआ है। अभी तो ग्राहक आ रहे हैं, भाव पूछ रहे हैं और चले जा रहे हैं, अभी ले नहीं रहे। मतलब की आवक बिल्कुल कम हो गई है, पानी जैसे ज्यादा गिरा है कि नहीं, तो प्याज के खेत मतलब कि खराब हो गए हैं। जहाँ 1 एकड़ में प्याज का उत्पादन होना चाहिए 200 कुंटल, वहाँ 50 कुंटल 35 कुंटल प्याज निकल रहा है। मतलब कि 20-15% ही उत्पादन रह गया है, और 80-90% की खपत है, तो इतने माल की आवक भरपूर नहीं हो रही, इसलिए मतलब बाजार आसमान छू रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।